महात्मा गांधी जी के द्वारा एक बहुत ही शानदार बात बोली गई थी, जो कि आज के हमारे इस लेक्चर के साथ में कनेक्टेड है, और इसी के साथ में एक अमल करने लायक बात भी है। बोला गया था कि जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, जो पृथ्वी पर अवेलेबल रिसोर्सेज है उनसे, तो हम लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। पर लेकिन अगर हम लोग अपने लालच की पूर्ति करना चाहते हैं इन सब चीजों से, तो देखिए ऐसी तीन चार पृथ्वी भी हम लोगों को कम पड़ जाएगी। तो ये बात बोली गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। आप लोग बिल्कुल इसको ऐसे ही ले सकते हैं जैसे ये हमारी पृथ्वी है। एक साइड में आप लोगों को इंडिया जैसी कंट्री नजर आएंगी और दूसरी साइड में आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि हमारी कंट्री जो है वो बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज पर जिंदा है। पर लेकिन अगर बात करें यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो वहां पर इतने ज्यादा लार्ज स्केल पर जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज किया जा रहा है कि वहां पर एक जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो पृथ्वी हमारी इस जैसी तीन चार पृथ्वी भी अगर आ जाए, अगर सारी कंट्री यूएसए के पैटर्न पे चलने लगे तो वो भी कम पड़ जाएगी। तो ऐसी कुछ बातें यहां पर बोली जाती हैं आज के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसर्च की जा रही है। महात्मा गांधी जी तो ये बात बोल के चले गए, बाकी आज की डेट में ऐसे बहुत सारे सबूत भी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं इससे रिलेटेड। यानी कि बात क्या की जा रही है, बात यह की जा रही है कि डेवलपमेंट के चक्कर में इतना अंधे हो गए हैं हम लोग आज की डेट में, एनवायरमेंट की जो बॉडी है उसके उल्लास के ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं। यानी कि हम लोग जिसकी वजह से जिंदा है हम लोग उसी को काटते हुए जा रहे हैं, यानी कि जिस टहनी पर हम लोग बैठे हैं उसी टहनी को हम लोग काट रहे हैं। इसके बारे में आज बात की जाएगी इस लेक्चर के अंदर। डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है आज के डेट में एनवायरमेंट के ऊपर और किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। बहुत सारे पहलू यहां पर कवर किए जाएंगे, एक एक करके सारे कवर करके चलूंगा। आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एसएससी बैंकिंग, हर एक एग्जाम में आप लोगों को ये फायदा पहुंचाने वाला है ये लेक्चर, और इसी के साथ में आप लोगों को एक अच्छा आंसर लिखने में या अच्छा निबंध लिखने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये लेक्चर। और आगे बढ़ने से पहले नए मेहमानों को बता दूं जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी पॉलिटी कंप्लीट करा जा चुकी है, करंट अफेयर आप लोगों की डेली देखने को मिलती है द हिंदू डिस्कशन मॉर्निंग में, और पीआईबी की वीडियो दोनों मॉर्निंग में देखने को मिलती है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप लोगों की कराई जाती है। इसके अलावा कई सारी गाइडिंग वीडियो आती है जो कि आप लोगों को फायदा पहुंचाती है, और अभी यहां पर आप लोग इकोनॉमी का लेक्चर देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पर भी आप लोगों को थोड़ा भी ये फायदा पहुंचा रहा है ये चैनल, तो आप लोग यहां पर फैमिली का पार्ट बन सकते हैं यहां पर, और इंजॉय कर सकते हैं चीजों को जो भी यहां पर अवेलेबल होती है आप लोगों के लिए। इसके अलावा यहां पर यह है आप लोगों के फेसबुक का लिंक और टेलीग्राम का, यहां पर कई सारी तमाम पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, ये लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं फायदा उठाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं अब तक हम लोगों ने कवर क्या क्या कर लिया है। ये आप लोगों की 11th की एनसीईआरटी है इकोनॉमी की, तो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग जो यहां पर देख सकते हैं ये फर्स्ट यूनिट आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ में आप लोग देखते हैं यहां पर जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेकंड यूनिट पर फिर हम पहुंचे, वो आप लोगों को जो ऊपर वाली जो यूनिट थी उसमें आप लोगों ने देखा 1947 से जो 1990 तक का सफर था, फिर 1990 से फिर जो 1950 से 1990 तक का सफर था वो हम लोगों ने दूसरे तरीके से देखा। इसी के साथ में फिर आप लोगों को एक तरीके से जो हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म आए उनके बारे में हम लोगों ने जाना, एक एक करके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में जाना। 1990 यानी कि जो 90 के दशक की बात थी, 1991 में जब हमारी कंट्री को ओपन किया गया ग्लोबल लेवल पर, इसके बाद में फिर हम लोगों ने जाना क्या क्या इकोनॉमिक यहां पर हमारी चैलेंज फेस कर रही है इकोनॉमी, उसके बारे में पॉवर्टी वगैरह के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद आप लोगों को देखने को मिला, हम लोगों ने शानदार तरीके से डिस्कस किया ह्यूमन कैपिटल के बारे में, यानी कि किस तरीके से हम लोग एक ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं एजुकेशन और अच्छी हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करकर, ये तमाम बातें देखिए। फिर हम लोगों ने देखा गांव में क्या तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में जाना, इंप्लॉयमेंट ग्रोथ और इन्फॉर्मेशन, ये सारी चाहिए इन्फॉर्मलाइजेशन, इन सब चीजों के बारे में, इशू के बारे में एक एक करके मैंने डिस्कस किया। फिर आगे जब हम लोग बढ़े, हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जाना, किस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री में आज के डेट में, डिटेल में डिस्कस किया। और आज आप लोगों का जो लेक्चर है यहां पर यह है एनवायरमेंट के ऊपर, यानी कि अब तक का हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये सारी चीजें देख ली, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहां पर एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये लेक्चर हमारा है, इसके बाद में आप लोगों का लास्ट लेक्चर बन जाएगा, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट पड़ोसी कंट्री के साथ में कंपेयर किया जाएगा और आप लोगों की ये जो एनसीईआरटी की जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो इसका आप लोग जो पुराने लेक्चर भी हैं जो इसके जो आप लोग देखना चाहते हैं, लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बाकी फिर आगे क्या स्टार्ट करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पहले आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। आज का जो लेक्चर देखते हैं इसमें आप लोगों का एक चैप्टर और कंप्लीट होने वाला है, जो कि बात की जाएगी एनवायरमेंट डेवलपमेंट के ऊपर, किस तरीके से यहां पर हमारी कंट्री में ये चीजें देखी जा रही हैं। और हाँ, एक बात और बता दो आप लोगों को, हम जो चीजें फोकस कर रहे हैं अब तक सारी चीजें अपनी खुद की कंट्री यानी कि इंडियन यानी कि भारतीय इकोनॉमी के बारे में हम लोग डिस्कस यहां पर कर रहे हैं। ओके, तो बात की जा रही है एनवायरमेंट के ऊपर। तो देखिए एनवायरमेंट को अगर आप लोग देखेंगे, हमारी जो बॉडी है और हमारा जो एनवायरमेंट है वो एक तरीके से डायरेक्टली कनेक्टेड है।
देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है, बारिश होती है, जिस तरीके से चीजें होती हैं वो डायरेक्टली हम लोगों से कनेक्टेड है। अगर हम लोग जरा सा भी उसमें चेंज करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ खतरनाक चीजें हो रही हैं, और हम लोग उसको सही करने के लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आप लोग देखते हैं तो हम लोग सही करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी को हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या क्या बातें की जाती है। अगर शब्द इन्वायरमेंट यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ जो इन्वायरमेंट अगर वर्ड यूज किया जाता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल जो भी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर ऑल रिसोर्सेज यहाँ पर जो भी अवेलेबल है और यहाँ पर जो भी आप लोगों के सामने इनहेरेंस जो भी यहाँ पर चीजें हैं यानी कि हर एक चीज यहाँ पर कनेक्टेड हो जाती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक सारे एलिमेंट यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं। बायोटिक एबायोटिक क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो जिंदा चीजें होती हैं बर्ड एनिमल प्लांट्स फॉरेस्ट वगैरह ये सारी चीजें इनको बोलते हैं बायोटिक। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, वो कंपोनेंट जैसे कि आप लोग देखते हैं एयर वाटर लैंड चट्टाने सूरज की रोशनी ये होती है एबायोटिक। यानी कि दोनों ही चीजें जो एबायोटिक और बायोटिक होती है दोनों का संपूर्ण एक मिक्सचर जो होता है उसको आप लोग बोल सकते हैं मोटी मोटी भाषा में एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट को समझने के लिए आप लोगों को पहले यहां पर पता होना चाहिए कि यहां पर क्या क्या फंक्शन होते हैं। अगर आप लोग देखें तो फंक्शन ऑफ द एनवायरमेंट की यहां पर बात की जा रही है तो सबसे पहले आप लोग देखिए ये हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, यानी कि दोनों तरीके के रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों ही तरीके प्रोवाइड कराता है। तो इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहां पर शॉर्ट में आप लोग जान लीजिए। तो रिसोर्सेज जो है यहां पर हम लोगों को एनवायरमेंट से मिलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है वेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर कितना भी तरीके का वेस्ट जनरेट कीजिए पर लेकिन यहाँ पर हम लोग वेस्ट जनरेट भी करते हैं और फिर वो एक तरीके से खत्म भी हो जाता है एनवायरमेंट में ही, ये भी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सस्टेन लाइफ करने में यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एनवायरमेंट, एक अच्छी लाइफ आप लोगों को देखने को मिलती है अगर एक अच्छा एनवायरमेंट रहता है। अगर एनवायरमेंट में कोई गड़बड़ हो जाती है तो एक अच्छी लाइफ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, एक क्वालिटी लाइफ देखने को मिलेगी। तो ये भी आप लोग देखते हैं सस्टेन लाइफ रहेगी यहाँ पर लंबे समय तक और एक क्वालिटी भी रहेगी यहाँ पर, यानी ये बोला जाता है कि या तो कम खा लो अच्छा खा लो या फिर ज्यादा खा लो जो जैसा मिले वैसा खा लो। कहने का मतलब ये कम मिल जाए भले ही चीजें पर अच्छी मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा पर्पज होना चाहिए, यानी कि संतोष करना चाहिए हम लोगों को अगर अच्छी चीज मिल रही है भले ही वो कम क्यों ना हो। ओके, तो बात की जा रही है अगर एनवायरमेंट की बात करें, अगर वो अपने फंक्शन पे आ जाए यहाँ पर तो शानदार तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता रहता है जब तक उनके कामों में कोई भी इंटरफेरेंस न करे। यानी कि पेड़ जैसे उग रहे हैं, आराम से पेड़ उगते रहे और आराम से उनकी प्रोग्रेशन होती रहे और चीजें आराम से आगे बढ़ती रहे, पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं पेड़ काट काट के आज के डेट में हम लोगों ने खत्म कर डाले हैं तो हम लोग इंटरफेरेंस कर रहे हैं। हम लोग इतने ज्यादा आज की डेट में जो रिसोर्सेज है उनको जला रहे हैं, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से जो एनवायरमेंट में बर्बादी हो रही है उसकी वजह से फिर हमको हमारे ऊपर उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। कहीं पर बाढ़, कहीं पर सुनामी, तो कहीं पर सूखा, तो इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने निकलकर आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट में इंटरफेरेंस करते हैं। अब इन्वायरमेंट हमारे हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट की कैपेसिटी कितनी है, जो हमारी जनता है उसको झेल पा रहा है या नहीं झेल पा रहा है, ये कैसे पता चलता है? तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर ये दो बातें आप लोगों को पता होगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि चीजें सही डायरेक्शन में हो रही है या सही डायरेक्शन में नहीं हो रही है। पहली बातें की जा रही है जो भी हम लोग यहाँ पर रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ से रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो हम लोग उतना ही ले रहे हैं कि जितना यहाँ पर जनरेट हो रहा है, यानी कि आप लोग पेड़ उतने ही काट रहे हैं कि जितने यहाँ पर उगाए जा रहे हैं या फिर लगाए जा रहे हैं। अगर आप लोग इनमें डिफरेंस करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि काटेंगे ज्यादा और लगाएंगे कम, तो फिर यहाँ पर डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा और वो खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए। दूसरी बात ये की जा रही है कि जो वेस्ट जनरेट किया जा रहा है वो उतना ही जनरेट किया जा रहा है जितना कि यहाँ पर एनवायरमेंट जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। यानी कि आप लोग अगर कोई भी वेस्ट करते हैं यहाँ पर जनरेट, तो वो इतना होना चाहिए कि यहाँ पर एनवायरमेंट उसको एब्जॉर्ब कर पाए। अगर एनवायरमेंट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो फिर देखिए यहाँ पर पहाड़ बन जाएंगे वेस्ट के, और उसी की वजह से फिर यहाँ पर महामारी आएगी और हम लोग सब मारे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो पाथ है जिसके बेस पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो हमारे बोझ को झेल पा रहा है या नहीं झेल पा रहा है। और अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फिर क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिलती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर एनवायरमेंट अगर हमारा इस तरीके से हम लोग जो चीजें कर रहे हैं वो ऐसे नहीं करेंगे तो एनवायरमेंट डिग्रेड होने लगेगा और उसकी वजह से फिर ये सारी जो सिचुएशन सामने निकल कर आ रही है, जैसे कि मैंने अभी बताया था बाढ़ वगैरह आ गया, सूखा पड़ गया, कहीं पर तूफान आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, तो ये उसी का फिर हिस्सा बन जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए हम लोगों को देखकर चीजों को करना चाहिए क्योंकि इंपैक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ही तरीके से हमारे ही ऊपर पड़ने वाला है घुमा फिराकर। तो ये दो फैक्टर आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट बना के भी पूछे जा सकते हैं कि क्या ऐसे हैं जिसके हमसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि एनवायरमेंट हमारा बहुत झेल पा रहा है या नहीं झेल पा रहा है। और इसको बताने वाली आप लोगों के सामने कोई बात ही नहीं है, आप लोगों के सामने पिक्चर है किस तरीके से हम लोग कचरा फैला रहे हैं, किस तरीके से हम लोग एयर पोल्यूट कर रहे हैं। और पानी की तो आप लोग छोड़ ही दीजिए, बहुत जल्दी ये होने वाला है कि पीने लायक पानी बचने ही वाला नहीं है जिस तरीके से हमारी हरकतें चलती हुई आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी हदें पार कर रहे हैं, और जब जब इंसान ने अपनी हद पार की है तब तब कुछ ना कुछ त्रासदी देखने को मिली है। और उदाहरण आप लोगों के सामने आज के डेट में आसपास में ही देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है।
अब नजर डालते हैं थोड़ा रिसोर्सेज के बारे में। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि रिसोर्सेज के बारे में बताइए। एक तो होते हैं रिन्यूएबल, रिन्यू मतलब अपने आप रिन्यू हो रहे हैं, ठीक है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे आप लोग अपने बाल देख सकते हैं, एक बार कटा दिए आप लोगों फिर उगाने थोड़े ना पड़ते हैं, अपने आप उग जाते हैं। दाढ़ी वगैरह आप लोग देखते हैं इसी तरीके से, यानी कि एक तरीके से आप लोग इसको ये रिन्यू हो जाते हैं बिना आप लोगों के, बिना कुछ किए, मतलब नॉर्मली आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग देखते हैं ट्री वगैरह जो होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं, लगाओ या ना लगाओ अपने आप ही हो जाते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं अगर आप लोग जमीन को खाली छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं ओशन भी फिश में आप लोग देखते हैं, काटते रहते हैं फिर वहां पर जन्म लेती रहती है, वो चलती रहती है इसी तरीके से। पर लेकिन जब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ समय बाद वो एग्जॉस्ट होते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। यानी कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, अगर डिटेल में आप लोग इसको जानना चाहे किन रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? सूरज की रोशनी, क्या कभी आप लोगों को लगता है खत्म होने वाली है? बारिश जो होती है कभी खत्म होने वाली है? जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इसके अलावा बायोमास वगैरह जो जनरेट हम लोग करते हैं ये खत्म होने वाला है। विंड एनर्जी, हवा कभी रुकने वाली है? जियोथर्मल एनर्जी कभी खत्म होने वाली है? तो ये है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि जो हमेशा आप लोगों के पास में रहने ही रहने वाले हैं। पर लेकिन अगर बात करें कोयले की, तो बड़ी जल्दी खत्म होने वाली है चीजें। न्यूक्लियर अगर जो यहाँ पर बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर फ्यूल मिलता है उसकी वजह से हम लोग बनाते हैं जो न्यूक्लियर ईंधन, उसके बारे में बात कर लीजिए। नेचुरल गैस बड़ी जल्दी खत्म होने वाले हैं। इसके अलावा फॉसिल जो यहाँ पर फ्यूल होते हैं, ऑयल वगैरह उनकी बात कर लीजिए, जैसे क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल और डीजल जिससे निकाला जाता है, ये होता है नॉन रिन्यूएबल। या नॉन रिन्यूएबल बोल लीजिए, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि इतनी लंबी साइकिल इनको बनाने में लगती है कि हम उसको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में डाल देते हैं। यानी कि कई सारी जनरेशन खत्म हो जाती है जब यहां पर जाकर एक बार यहां पर तेल जो है जमीन के नीचे बनता है, तो इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल बोल देते हैं हम लोग इस पैटर्न के ऊपर। ओके, और बाकी ये जो सूरज की रोशनी आप लोग देखते हैं, ये हमेशा आप लोगों के सामने अवेलेबल रहेगी ही रहेगी। अब जब हम लोग यहां पर बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में, तो इनसे रिलेटेड दो बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है। एक तो हम लोग यहां पर पोल्यूट कर रहे हैं, जैसे रिसोर्सेज आप लोग देखते हैं अपना पानी देख सकते हैं, हवा देख सकते हैं, एयर, हम लोग क्या कर रहे हैं इनको पोल्यूट कर रहे हैं बहुत ज्यादा हम लोग प्रदूषण यहां पर फैला रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है। दूसरी क्या देखने को मिल रही है कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में हम लोग रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, यानी कि जितना जरूरी नहीं है उतना ज्यादा हम लोग निकाल रहे हैं। खाना उतना ही खाइए जितना आप लोगों को जरूरत है, बाद में क्या होता है वो डस्टबिन में जाता है। एक साइड में तो हम लोग खाने को डस्टबिन में फेंक देते हैं, और दूसरी साइड में कुछ लोग यहां पर भूखा सो रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक बड़ा ही अजीब सा पैटर्न यहां पर नजर आता है। कुछ लोग इतने अमीर हैं कि वो एक तरीके से पैसों के ऊपर ही सोते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए भी पैसे के लाले पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं प्रॉब्लम यही है, कहीं पर तो इतना ज्यादा है कि वो उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, और कहीं पर इतना कम है कि कदर करते करते भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहां से निकल कर आ रही है? पॉल्यूशन और जो एक्सेसिव मात्रा में हम लोग यहां पर चीजें निकाल रहे हैं, उन सब चीजों की वजह से हमारे सामने ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है आज की डेट में। जैसे आप लोगों के सामने पोल्यूशन की बात की जाए, किसी भी लेवल के पोल्यूशन में आप लोग चले जाइए, एयर पोल्यूशन सांस लेनी दुश्वार हो गई है, वाटर पोल्यूशन पानी पीने लायक कहीं बचा ही नहीं है, नॉइस पोल्यूशन हर जगह टोटो पॉइंट आप लोगों को नजर आएगी, कोई किसी धुन में बजा रहा है तो कोई किसी धुन में बजा रहा है। लैंड पोल्यूशन आप लोग देखते हैं अलग अलग तरीके फर्टिलाइजर वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो जमीन है इतनी जहरीली होती जा रही है, और उसी की वजह से दुनिया भर की बीमारी, हार्ट अटैक देख सकते हैं आप लोग, चर्म रोग देख सकते हैं, दुनिया भर की आप लोगों के सामने बीमारी आ रही है एक तरीके से। जितने ज्यादा हम लोग ये सब चीजें यूज कर रहे हैं अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए, और ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं ना, एक तो नेचुरल तरीके से काम होता है, हम जो अननेचुरल तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाला है इनडायरेक्ट में हमारे ऊपर, जो कि हम लोग बिना सोचे समझे इस काम को कर रहे हैं। तो एक काफी खतरनाक सिचुएशन आप लोग इसको बोल सकते हैं। और इसी की वजह से जो सारा वर्ल्ड आज के डेट में चिल्ला रहा है, यह है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है उसकी वजह से कितनी कितनी चीजें खराब होती जा रही हैं, उसी का इंपैक्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का ही यहां पर रीजन है। एक साइड में आप लोगों को हरा भरा चीजें नजर आएगी, और दूसरी साइड में कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों को नजर आएगी। इसी तरीके से आप लोग अभी आगे भी देखने को मिलेगा, इसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के इतने बड़े बड़े आज के डेट में उदाहरण आप लोगों के सामने ये आप लोग देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहां पर देखिए, ये यहां पर एक ग्लेशियर पिघलने के बाद में ये यहां से जो मेन लैंड थी उससे दूर हट गया, तो यहां पर दो जानवर थे कुछ दिनों तक, तो मुझे लग रहा है दोनों ने एक साथ में मिलजुल कर काम किया होगा। उसके बाद में जब भूख लगने लगी होगी तो जो ताकतवर जानवर था उसने दूसरे जानवर को खा लिया, और इस तरीके से आप लोगों के सामने यहां पर ये उदाहरण है। बाकी यहां पर जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, यानी कि जो बर्फ पिघलता है वहां पर, जो पोलर बियर वहां पर रहते हैं, जो वहां पर उस तरीके के जानवर रहते हैं जो बर्फ पर रहते हैं, वो एक तरीके से डूबते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो बर्फ है वो पिघलकर पानी बन जा रहा है, और उनके रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है आज की डेट में। तो किसकी वजह से है ये सब? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर सी का लेवल भी यहाँ पर राइज होता जा रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी ग्लेशियर ये पिघल रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये पानी कहाँ पर आता है निकल के? ये पानी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे जैसे यहाँ पर ओशन है, जैसे यहाँ पर ओशन में पानी जैसे बढ़ता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे जो भी आइलैंड कंट्री है, जैसे आप लोग देखते हैं इंडोनेशिया यहाँ पर दिख गया, इसी तरीके से हमारे खुद के भी आइलैंड है, लक्षद्वीप आप लोग देखते हैं, इसी तरीके से अंडमान निकोबार आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके आसपास जो पानी है उसका लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, जो जमीन है वो दबती जा रही है पानी में, तो लोग जो है
एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत लार्ज स्केल पर डिस्प्लेस हो रहे हैं, और ये फिनोमिनन, ये ऐसा प्रोग्राम आप लोगों को पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, ना कि ओनली इन इंडिया में। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने है आज की डेट में। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यहाँ पर, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो आज के डेट में खत्म होती जा रही है, पेड़ पौधों की या फिर आप लोगों को जानवरों की, पशु पक्षियों की जो यहाँ पर स्पीसीज है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि उनके रहने की जो जगह है वो खत्म होती जा रही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, अलग अलग तूफान तरीके के आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कहीं साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कहीं किसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है, और इसी की वजह से बहुत सारी बीमारी भी आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। तो इन्वायरमेंट हर एक डायमेंशन में इंपैक्ट पड़ता हुआ आज के डेट में नजर आ रहा है। यहां पर आप लोग देखते हैं या फिर आप लोग यहां पर देखते हैं, ये सी का रीजन है। पहले आर्टिक जो ओशन था ये कुछ ऐसा हुआ करता था, आर्टिक जो सी था, और आज की डेट में देखते हैं 1984 में कुछ इतनी बड़ी परत हुआ करती थी, और ये सिमट कर आज के डेट में कुछ छोटा हो गया इतना यहाँ पर। और ये तो 2012 की बात है, आज की डेट में हम लोग खड़े हुए हैं, आज के डेट में और भी यहाँ पर कई साल बाद में हम लोग खड़े हुए हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कि और भी बड़ी कंडीशन यहाँ पर हो चुकी होगी, यानी कि सिचुएशन जो है और ज्यादा खराब ही होती जा रही है, जिस तरीके से हम लोग एनवायरमेंट के अंदर घुसते जा रहे हैं और उसको बर्बाद करते हुए जा रहे हैं। और इसी का बहुत बड़ा इंपैक्ट है यहाँ पर आज के में, जो हमारे यहाँ पर ओजोन लेयर होती है, जो ओजोन लेयर होती है, जैसे सूरज की किरणें जो धरती पर आती हैं, तो जो हार्मफुल किरणें होती हैं ये ओजोन लेयर हमको उससे बचाती है, यानी कि जो रोशनी आती है सूरज की वो बहुत तरीके की चीजें होती हैं उसमें, जैसे वो धरती पर आती है और हमारे ऊपर पड़ती है, तो जो ओजोन लेयर है वो हमसे उसको प्रोटेक्ट करती है और हमारी बॉडी में जो कैंसर जैसी की चीजें इस तरीके की चीजों से हमको बचाती है, पर लेकिन वो भी आज के में डिप्लीट होती जा रही है, क्योंकि हम लोग ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं आज के में। रेफ्रिजरेटर वगैरह आप लोग देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह यहाँ पर निकलती है उनकी वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आज के डेट में ओजोन में भी होल होता हुआ जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आने वाले टाइम में और भी खतरनाक चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पर, ये पोल्यूशन, ये वाला पोल्यूशन, ये वाला पोल्यूशन, हर जगह से आप लोगों को पोल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एनवायरमेंट जो है वो कंप्लीटली डिग्रेड होता हुआ जा रहा है, और उसी की वजह से यहाँ पर ओजोन लेयर पे इंपैक्ट पड़ रहा है, और जिसकी वजह से आज के डेट में देखते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, यानी कि हम लोग अपने फायदे के लिए इतना ज्यादा हम लोग अपने ऐशोआराम के लिए जो हम लोग चीजें यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्बाद कर रही है एनवायरमेंट को। तो इसी की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो अगर उनका रेडिएशन जमीन पर आता है तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी पृथ्वी पर जो यहाँ पर जीवन है उसको नष्ट भी कर सकता है, डैमेज कर सकता है, जो यहाँ पर चीजें हैं आज के डेट में अवेलेबल, तो इतना खतरनाक साबित हो सकता है अगर ये लेयर यहाँ से बीच में से हट जाए तो। और हम लोग कसर नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग फिर भी अपना एक ही तरीके से हम लोग आगे बढ़े हुए जा रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग ज्यादा सोच भी नहीं रहे हैं। आखिर कैसे पता चलता है सोच भी नहीं रहे हैं, आप लोगों के सामने उदाहरण है, रेल बनाई जा रही है, ट्रैक बनाए जा रहे हैं, मेट्रो सिटीज बनाई जा रही है, नई नई अच्छे अच्छे बड़े बड़े पता नहीं प्लांट वगैरह बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, पर लेकिन एनवायरमेंट को कोई ध्यान नहीं रख रहा है, और उसी का आप लोग देखने को मिलता है फिर रिजल्ट वो क्या सामने निकल कर आ रहा है। आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे किस तरीके से आज के डेट में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड कर ही नहीं पाते, इससे मैं तो बोलता ना आप लोग अपना टाइम टेबल बनाया कीजिए अच्छे से मॉर्निंग में और शाम तक उसको इंप्लीमेंट किया कीजिए, सबसे पहले जो सबसे जरूरी है फिर उसके बाद में उससे कम, इस तरीके से आप लोगों की प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, पर लेकिन हम ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिल रहा है, एयर पोल्यूशन और भी कई तरीके के पोल्यूशन आप लोगों के सामने है, ये फेरस वेटर जो है यानी कि जो अच्छा पानी है वो खत्म होता जो जा रहा है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तो कोई काम ही नहीं है। दिल्ली जैसी बड़ी बड़ी सिटीज में आप लोगों को नजर आएंगे कि कूड़े के पहाड़ आज के डेट में बन चुके हैं, तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन काफी खतरनाक लेवल पर है, और यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में अभी कोई अच्छा सा कोई अभी ऐसा सॉल्यूशन निकाला भी नहीं जा रहा है कि जिसके बारे में बताया जा सके आप लोगों को। तो मतलब एक तरीके से चीजें की जा रही हैं पर लेकिन उतने लेवल पे नहीं की जा रही है जितने लेवल पे प्रॉब्लम आगे बढ़कर आ रही है, यानी कि प्रयास किए जा रहे हैं पर लेकिन जो प्रॉब्लम बढ़कर आ रही है उसके सामने बहुत ही कम है ये प्रयास, अगर आप लोग इनको काउंट करके देखेंगे तो। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ी बात की गई है चिपको आंदोलन के बारे में, चिपको मूवमेंट के बारे में, यहाँ पर क्या था, पेड़ काटने की बात की गई थी, तो लोगों ने क्या किया, पेड़ से यहाँ पर चिपक गए और बोला कि इनको पेड़ को काटने नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की अवेयरनेस फैलानी जरूरी है आज की डेट में, ताकि हम लोगों की आंखें खुल सके, और जो आज की डेट में यहाँ त्रासदी मचा रखी है, यहाँ पर जो पेड़ वगैरह सब खत्म किए जा रहे हैं, इनके बारे में हम लोग कुछ सोच सकें, क्योंकि यही एक ऐसी चीजें हैं जो आगे आने वाली जनरेशन को भी एक अच्छे लाइफ देने में हेल्प करेंगी, अगर आज के डेट में हम लोग इनको इग्नोर करेंगे, और अगर एक बार एनवायरमेंट ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया तो फिर समझ में आएगा कि क्या होता है इग्नोरेंस असलियत में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं, जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पर एनवायरमेंट कंसर्न की जब बात आती है तो हमारी कंट्री में दो मेजर इशू यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, एयर पोल्यूशन की और वाटर पोल्यूशन की जब बात की जाती है, इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया यहाँ पर 1974 में, और यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर एक नॉर्मल बॉडी आप लोगों को नजर आएगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में साइन
पास करने के बाद में, प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद में स्टैट्यूट के द्वारा यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई है। जो एक्ट है आप लोगों के सामने वो क्या है, वो है यहाँ पर आप लोग देखते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट आप लोगों को 1974 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है ये इन सब चीजों को सही करने के लिए। इसी तरीके से आप लोग देखने को मिलेगा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड द पोल्यूशन एक्ट 1981। तो दोनों एक्ट आप लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पर एयर पर और वाटर को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर फोकस दिया जाता है, और भी कई सारे इश्यू को यहाँ पर फोकस देकर चलता है, पर मेजर इश्यू यहीं पर इसी के बारे में सोचता है किस तरीके से यहाँ पर इनको कंट्रोल किया जाए। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो याद रख सकते हैं। बाकी का अगर आप लोग इसके बारे में कुछ और जानना चाहें तो आप लोग इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये सिचुएटेड कहाँ पर है। अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो आप लोगों को इसकी जो लोकेशन आएगी वो न्यू दिल्ली में आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। पर लेकिन देखिए अगर बात करें इन्वायरमेंट की तो ये भी चीजें सही नहीं है, डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। पर डेवलपमेंट की बात हम लोग को ऐसे करनी है ताकि इन्वायरमेंट को भी साथ में लेके चला जा सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो पॉवर्टी से ऊपर उठ गए हैं, यानी कि जो गरीबी की जिंदगी जिया करते थे आज के टाइम में उससे बाहर निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही रीजन है, एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी वजह से हम लोग को ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पर लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि उसकी एवज में हम लोग को बलिदान क्या करना पड़ रहा है। यानी कि जिस तरीके से आप लोग मान लीजिए 6 घंटे पढ़कर अगर आप लोगों ने इतना पढ़ा कि वो 5 मिनट में पढ़ा जा सकता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप लोग इतने इन्वायरमेंट को लॉस करके अगर डेवलपमेंट थोड़ा सा कर पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से करना चाहिए, मान लीजिए जैसे आप लोग को कोई ऐसा आप लोग को फैक्ट्री सेट करनी है तो उसके लिए आप लोग एग्रीकल्चर की लैंड नहीं मत लीजिए, वहां पर ऐसी लैंड लीजिए जहां पर खेती नहीं की जाती है, जो बंजर पड़ी हुई है। तो इस तरीके से अगर आप लोग थोड़ा सोच समझ कर काम को करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी कि आप लोगों को प्रायोरिटी के बेस पर यहां पर चीजें सेट करनी चाहिए। यानी कि एग्रीकल्चर की जो शानदार लैंड है जिससे खाना सबको मिल रहा है, रोजी रोटी चल रही है यहां पर बहुत सारे किसानों की, उसी में आप लोग वहां पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, फैक्ट्री सेट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आप लोगों को सोचनी पड़ेगी। और इन सब चीजों को सोचने का सबसे शानदार तरीका क्या है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी देख सकते हैं आप लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आप लोगों के सामने है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुका हूं, आप लोग अगर इसको समझना चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो इनके बारे में आप लोग जान सकते हैं। लिंक नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, जाके आप लोग उसको देख सकते हैं किस तरीके से गरीबी घटानी है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर भुखमरी घटानी है, अच्छी हेल्थ कैसे होनी चाहिए। तो टोटल मिला के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो तो आप लोग आंसर दे पाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल दोनों का टाइम पीरियड आप लोगों को बताना है, कितने से कितने तक कौन सा है और अभी कौन सा चल रहा है वो कब तक का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊं तो मोटा मोटा तौर पर आप लोग ये बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोगों को ऐसे ही छोड़ के जाना है जैसे कि पुरानी जनरेशन हमारे लिए छोड़ के गई है। यानी कि आप लोगों को रिसोर्सेज यूज करने के साथ साथ में रिसोर्सेज को डेवलप भी करना है। यानी कि आप लोगों को मान लीजिए पेड़ आप लोग 10 काट रहे हैं तो लगभग 10 तो लगाने ही लगाने, हो सकता है 15 भी लगा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना ताकि उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जा सके। कुछ ऐसी बात यहाँ पर बोली गई है इस कमीशन के द्वारा भी, ये नाम है यहाँ पर ब्रुंटलैंड कमीशन, इसके द्वारा भी ये बोला गया है कि हम लोगों को जो रिसोर्सेज यूज करने हैं वो इस तरीके से यूज करने ताकि फ्यूचर जनरेशन के बारे में हम लोग कुछ छोड़ सकें। यानी कि हम लोगों को ये ध्यान रख के चलना है कि सारे रिसोर्सेज जो है, सारा एनवायरमेंट जो है अपने ऊपर यूज करके अपने द्वारा बर्बाद नहीं करना है, आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी एक क्वालिटी की लाइफ मिल जाए उसके बारे में भी हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है, और ये पॉसिबल कैसे है इसके लिए ही कॉन्सेप्ट निकल गया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग ढंग से यूज करने लगेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना। इसके साथ साथ में आप लोगों को इकोनॉमिक वेलफेयर देखने को मिलेगा, यानी कि जो गरीब हैं उनके हाथ में पैसा आप लोगों को नजर आएगा, उनकी भी हेल्थ अच्छी नजर आएगी, उनके बच्चों को भी एजुकेशन मिलती हुई नजर आएगी, ये काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका रेशनल यूज होगा, यानी कि जितना जरूरी है उतना ही यूज करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। यानी कि पेड़ काट काट के फेंक दिया यहाँ पर और लगाया कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिलेगा, उसके लिए भी काफी चीजें बचेंगी यहाँ पर, और पोल्यूशन का जो लेवल है उसको भी चेक करते रहेंगे हम लोग कि ज्यादा तो नहीं हो गया, उसको भी हर टाइम कंट्रोल करते रहेंगे। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये सब इन्हीं सब चीजों पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, आप लोग देखते हैं यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन की बात की जा रही है, पानी के अंदर जो लाइफ है उसकी बात की जा रही है, हवा में जो लाइफ है उसके बारे में बात की जा रही है, जमीन पर जो लाइफ है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये तमाम बातें यहाँ पर इसी चीजों पर फोकस देकर चल रही है। तो आखिर क्या किया जा सकता है, इनको अचीव हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी कि अचीव करना क्या है। तो अचीव क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग अपनी जो पॉपुलेशन है उसको लिमिट करनी है, जिस तरीके से कई सारे कैंपेन चलाए जाते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। तो यानी का कहने का मतलब ये है जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो लिमिट क्या करनी है, पॉपुलेशन लिमिट करनी है। फिर टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेसिव यूज करना है इस तरीके से ताकि हम लोग इफिशियंटली चीजों को यूज कर सकें, ऐसा ना हो कि बर्बाद करते हुए जा रहे हैं।
रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर हम लोग को ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, ना कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको जनरेट किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग को कम यूज करना पड़ेगा, यानी कि जितना कम यूज करेंगे उतना ज्यादा फायदा है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि क्रूड ऑयल से दूर हटकर, पेट्रोलियम डीजल से दूर हटकर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पर हम लोग को चलना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पर नेक्स्ट कि पोल्यूशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गई है उसका कैसे हम लोग को सोल्यूशन निकालना है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग को ये सब चीजें अचीव कर पाते हैं तभी हम लोग चीज आगे बढ़ा पाएंगे। और इसके लिए क्या यहाँ पर एक स्ट्रेटजी है, अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करके चलेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। स्ट्रेटजी क्या है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यूज करो नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो एनर्जी के हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यूज क्या करना चाहिए, जैसे एलपीजी वगैरह हो गए, ये गोबर गैस वगैरह हो गए, ये सब चीजें सीएनजी वगैरह ये आप लोग देखते हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी सबसे शानदार रिसोर्सेज है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि नेचुरल तरीके से फार्मिंग करो, फर्टिलाइजर वगैरह ज्यादा यूज मत करो। वेस्ट जो भी बन गया है, पॉलिथीन आप लोग बना रहे हैं ना, अगर वेस्ट जनरेट हो रहा है तो फिर उनसे पॉलिथीन बनाओ, नई पॉलिथीन वगैरह जनरेट मत करो, यानी कि रिसाइकिल करो इन्हीं को, इस पर फोकस देकर चलना है। पब्लिक का जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में आप लोग ढंग से सोचिए, ऐसा होना चाहिए जो कि पोल्यूशन फ्री होना चाहिए कम से कम। और ट्रेडिशनल नॉलेज जो फोकस करके चीज आती है, यानी कि इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है हम लोग को रिसोर्सेज को, ऐसा नहीं है कि बर्बादी की तरफ को जाना है। जैसे पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, वो करते थे अगर उनको गर्मी लग रही है तो पेड़ के नीचे जाकर बैठते थे, ना कि एसी चलाते थे। आज के डेट में हालांकि सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है, उनके बारे में बोलना गलत है, पर फिर भी जिस हद तक हम लोग मॉर्निंग में, मान लीजिए क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग में एसी चला के बैठे हैं, मॉर्निंग में मत चलाइए जब टेम्परेचर डाउन है। अगर आप लोग को लगता है दिन में आप लोग बाहर बैठ के पढ़ सकते हैं, बाहर बैठ के पढ़िए, लाइट मत जलाइए, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं आसानी से और इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर मिनी हाइड्रो प्लांट लगा सकते हैं आप लोग, बड़े बड़े प्लांट ना लगाकर छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं, उससे फायदा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बायोसेट जो यहाँ पर बायो पेस्ट कंट्रोल है, इन पे आप लोग फोकस देकर चल सकते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पर हम लोग कृत्रिम चीजें यूज करें उनको कम से कम यूज करें और नेचुरल चीजों पर ज्यादा से ज्यादा यूज करें, तो हम लोग एक तरीके से हम लोग एक सही डायरेक्शन में चलते हुए नजर आएंगे। तो मोटा मोटा तौर पर आप लोगों के सामने जो बातें की जा रही है, प्रॉपर डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, और साथ ही साथ में इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करके चलते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट भी यहां पर एक तरीके से सस्टेन रहने वाला है, तो काफी फायदा हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, आंसर जो पूछा है उसके क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, वो शेयर करना नहीं भूलिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं। इसके अलावा टेलीग्राम वगैरह ये सारे जो सोशल मीडिया के जो लिंक है नीचे मिल जाएंगे, आप लोग जाकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, और पुराने लेक्चर भी आप लोग देखते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।